आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जो है वो ईद का दिन है, क्योंकि इमरान खान की 9 माह बाद जो है वो पहली झलक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को देखने को मिल रही है कि ये लाइव क्यों नहीं दिखाई गई, ये तस्वीर किस तरह अब लीक हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन का आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जो है वो ईद का दिन है, क्योंकि इमरान खान की 9 माह बाद जो है वो पहली झलक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मैं कुछ देर में जो तस्वीर आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ताज़ा तरीन इमरान खान की वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर बात करेंगे कि ये लाइव क्यों नहीं दिखाई गई, ये तस्वीर किस तरह अब लीक हो रही हैं। ये आपको पता डेफिनेटली कोर्ट के अंदर से ये तस्वीर आई है, जो भी मैं आपके सामने रखता हूँ आप दीदार करेंगे इमरान खान साहब का। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ कोर्ट की जानिब से जो फैसल वाडा हैं उनके गुब्बारे से हवा भी निकाल दी गई है। जो फैसल वाडा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े वो जनाब बातें कर रहे थे, बड़के मार रहे थे, तो कोर्ट ने उनके गुब्बारे से भी हवा निकाल दी, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर बड़े सवालात उठ गए हैं आज, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब की ये जो वीडियो लिंक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये समात जो है ये लाइव दिखाई जानी थी, और ख़ासकर जो नैब तरामीम है फवाद चौधरी साहब ने भी इस नुक्ते को उठाया। उन्होंने कहा कि मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जस्टिस चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई थी, और ये कमेटी नैब केस के मुकदमे की लाइव स्ट्रीम का फैसला दे चुकी है। अब क्या चीफ जस्टिस को ओवर रूल कर सकते हैं, यानी कि ये कमेटी ने फैसला दिया था कि नैब तरामीम जो होंगे उसको लाइव दिखाया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब की जो समात है, इमरान खान साहब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तीन स्क्रीनें जो सुप्रीम कोर्ट की लगी हुई उसके ऊपर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, और इमरान खान साहब ने नाज़रीन काम अभी उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वो लाइव स्ट्रीम नहीं दिखा सके, प्रेशराइज इस वक्त कवर किया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर कभी IT की जो वज़ीर ममलिकत हैं शीज़ा फातमा उसको दिखाया जा रहा है, कभी शर्जील इनाम मेमन को दिखाया जा रहा है, मरियम नवाज वो एक दही मराकिस का जो इफ्तिताह उसका कर रही हैं और उस तकरीब को लाइव तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, इस तरह कवर किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की जो लाइव उनको दिखाना था, लाइव स्ट्रीमिंग होनी थी, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि 10,000 से जो यूट्यूब चैनल है सुप्रीम कोर्ट का, 10,000 उसके सब्सक्राइबर थे, जो कि ऑलमोस्ट कोई 70,000 के करीब पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर आवाम उनको देखने के लिए जो है वो तरस रही थी, यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। वो जो कहते थे ना 7%, तो कोई 1,00,000 के करीब जो है वो लाइव देख रहा था, जो तहरीक इंसाफ वाले दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने लाइव वो लिंक दिया हुआ था कि अगर इमरान खान को वहाँ दिखाया जाता तो उसका कट जो है वो उनके पेज और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दिया जाएगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नवाज़ शरीफ है और इमरान खान है उसकी मकबूलियत में कितना फ़र्क है। जब नवाज़ शरीफ आए थे तो वो बराह रास्त थे, और अभी इमरान खान साहब की सिर्फ एक झलक देखनी है तो कितने लोग बेताब हैं, 2 दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे। नाज़े काम, आप ये ज़रा तस्वीर देखें, ये जो अंदर स्ट्रीमिंग चल रही थी जो लीक हुई है, इमरान खान साहब ने जो एक ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, 2 बटन भी खुले हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तंदरुस्त हैं, और उसी अपने अंदाज में वो जो है वो बैठे हुए हैं, और ये ज़रा आप दीदार कर लें फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन काम, आपने ये तस्वीर देखी खान साहब की, और अब ये जो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसको लाइव नहीं किया, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये जो समात चल रही है इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, हो सकता है बाद में इसको यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर इमरान खान साहब की वीडियो आ भी जाए। लेकिन इस वक्त तस्वीर आई हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी हो रही है, वो जो सिर्फ लाइव नहीं किया लेकिन रिकॉर्डिंग इस समात की चल रही है। तो नाज़रीन काम, ये इमरान खान साहब का जो दीदार है वो आज 9 माह के बाद तहरीक इंसाफ वालों को करने को मिला। माशाल्लाह सेहतमंद है इमरान खान साहब, उसी तरह उसी अपने स्टाइल और अंदाज में वो चेयर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब नाज़रीन काम, वो जो कहते थे, ज़रा सुने, वो कहते हैं ना दबाव नहीं लेते। अब ये किसका दबाव है कि जनाब आपने लाइव नहीं किया हुआ? काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट द किचन। काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहते थे अगर आप किचन की हीट के आगे खड़े नहीं हो सकते तो आपको किचन से बाहर चला जाना चाहिए। तो अब वो कौन है काजी साहब जो सवाल पैदा उठता है कि जिसने आपको ये कहा कि आपने ये जो
लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखानी? किसके हुक्म के ऊपर आपने आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की? ये सवालात उठते हैं ना। आप तो कहते थे अब आप हकदार नहीं है इस कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए, और आज फिर साबित हुआ कि कादी फायद ईसा किन की उंगलियों के ऊपर नाच रहे हैं और किन के साथ हैं। नहीं तो कादी फायद ईसा साहब में अगर इतनी हिम्मत होती, आज फिर साबित हो गया कि कादी फायद ईसा साहब जो है वो पूरे के पूरे नंगे हो गए हैं। वो जो कहते थे कि जनाब बढ़ के मारते थे बड़ी सीट के ऊपर, आज वो मजीद खुल करके एक्सपोज हो गए। नाज़े काम नहीं कादी फायद ईसा साहब भी दिखा सके। मैं खुल करके यहाँ बात कर रहा हूँ, कादी फायद ईसा साहब आज बहुत कमज़ोर तरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं, कमज़ोर तरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं कि आज वो अपनी मर्जी से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखा सके। तो ये नाज़े काम इस हवाले से चीज़ें थी, और वो तमाम चीज़ें चल रही थी। हबीब अकरम साहब ने भी इस हवाले से किया जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी कि जनाब नवाज शरीफ के लंदन से पाकिस्तान आ रहे और इमरान खान का सिर्फ दीदार का मुवाजना कर लें तो मकबूलियत का फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने भी आज बड़ा खुल के, और इमरान इस्माइल, आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो तरीके इंसाफ छोड़ चुके हैं। एक शख्स ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज इमरान खान की पेशी को लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट ना करने का फैसला। तो फवाद चौधरी ने रीट्वीट किया, इमरान से डरते हो, इमरान तो होगा। और इमरान इस्माइल ने कमेंट किया, उसने कहा रोक सको तो रोक लो। ये तब्दीली नाज़े काम आई है। और दूसरी जानब जैसे मैंने बताया कि जिस तरह लोग इंतज़ार में थे और चीज़ें थी, अब नाज़े काम जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको जवाब दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिखा था फैसल वाडा ने, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी बढ़ के मार रहा था फैसल वाडा। तो नाज़े काम फैसल वाडा को जवाब दे दिया गया जनाब, जिस तरह ऑफिस से जो जवाब है वो जो जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा गया कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रहायश रखना ना अहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात मांगी जाती हैं, नहीं मांगी जाती। उन्होंने कहा कि किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। मजीद कहा गया कि जस्टिस अतन मिल्ला ने 6 जजेस के खत पर अजखुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़े किया, और जस्टिस अतन मिल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कस के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह जवाब दिया और उस प्रेस रिलीज़ की जो वजाहत भी दी गई है, और उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। और फैसल वाडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इन्फॉर्मेशन फ्राहम करने का जो रिकॉर्ड मांगा था उसका जवाब दे दिया गया। अब फैसल वाडा के गुब्बारे से हवा भी जो है वो निकाल दी गई है, उनको जवाब दे दिया गया, टिका के जवाब दे दिया गया, वो जो जिसकी बिहाफ के ऊपर एक प्रोपोगंडा चल रहा था। तो ये नाज़े काम अब तक की आम अपडेट्स हैं। अब की वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।